ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ। ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਨਾਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। यानी कोई बच्चा अगर जवान हुआ, बड़ा हुआ और बूढ़ा हो गया तब भी उसे याद रहती हैं, और वो अपनी दादी और नानी की जो कहानियां हैं या जो दादा की या नाना की कहानियां हैं उनको अपने बच्चों को सुनाते हैं थोड़ा सा इधर उधर कर कर, मगर कहानी वो पूरी तरह से एग्जैक्ट सुनाते हैं, बिल्कुल ठीक सुनाते हैं। उसका एक कारण बड़ा स्पष्ट है, जो कहानियां हैं उन कहानियों में कोई गणित या मैथमेटिक्स नहीं है जो याद करना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है, कोई उसमें नाम भी नहीं है, कोई उसमें ऐसी तारीख नहीं है, कोई उसमें जगह नहीं है, तो उसमें सिर्फ दो तीन करैक्टर हैं, खास तौर से जंगल के दो चार पक्षी हैं उनके नाम हैं, उनको आप बदल भी सकते हैं, मगर सार वही है जो बच्चों को सिखाना है। दरअसल ये सारी कहानी जितनी भी हैं ये जो उत्पत्ति की गई है, उत्पत्ति को जात बोलते हैं, जाति बोलते हैं, और बाद में जातक भी कहने लगे, यानी जातक माने जो उत्पत्ति की गई है, उत्पत्त हुई है बुद्ध के बाद में। लगभग 3000 के करीब ऐसी कहानियां जो पांच तत्वों पर आधारित, जिनको पंचतंत्र की कहानी बोलते हैं, ऐसी पूरी दुनिया में चली। लोगों ने अपने अपने नाम और अपनी अपनी भाषा से इन कहानियों को खूब चटक मटक के साथ में बदल बदल कर खूब सुनाया, और खूब इनको बच्चों को मनोरंजन किया, और खूब बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन है सदाचार की, और जो अच्छा बनने की, जो धर्मों में चलने की जो उनको बात है वो अच्छी तरह से सिखाई। ये कहानियां आज भी बहुत चलती हैं, स्टोरी टेल में सारी कहानियां इंग्लिश में या हिंदी में लोग इसको बड़े चटकाए ले लेकर सुनते और सुनाते हैं। दरअसल ये कहानियां पहले घर घर में जो भाड़क थे वो सुनाते थे, आज भी वो कहानियां सुनाई जाती हैं। कहानी सुनाने का थोड़ा सा नियम कायदा बदल गया है, कहानियां थोड़ी बदल गई, उनका सार बदल गया है, मगर तरीका वही है जो बुद्ध लोगों ने, जो भिक्कुओं ने, जो भिक्कुणियों ने और जो उपासकों ने अपने बच्चों को धम्म सिखाने के लिए ये बनाई थी, ये पैदा की थी, उत्पत्ति की थी, जिनका नाम जातक रखा। जातक माने उत्पत्ति की गई। तो ऐसी जातक कथाएं मैं आजकल आपको बता रहा हूं, आप इसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ के कहानी को अपने बच्चों को सुना सकते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई खास बात होती नहीं। आप इसका वीडियो भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई गुणा भाग वाली नहीं है। दरअसल ये हिस्ट्री नहीं है, ये सच्ची कथाओं पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक जंगल है, जंगल में जानवर है। ये जो आरंभ होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो कैसे होती हैं? एक राजा है, एक जंगल है, एक नदी है, एक नाला है, एक जानवर है, एक हाथी है, एक पेड़ है, एक पत्ती है, एक बेल है, एक लता है, एक पहाड़ है, एक समुद्र है, एक दरिया है, मतलब इस तरह से आरंभ होती हैं एक से करके। इसमें कहीं नहीं आता कि ये 1945 की कहानी है, 1718 की है, या 1620 की है, या ईसा से 300 साल पुरानी है, या ईसा से 5 साल पुरानी है, या ईसा से 10,000 साल पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी राजा का वर्णन नहीं है, कोई समकालीन नहीं है, कोई इतिहास की कोई वहां ईंटें मिली या वहां महल मिला या वहां खुदाई में ये मटके मिले या ये मनके मिले, ऐसा भी नहीं है। ना इसमें कोई भाषा होती है कि यहां ऐसी भाषा थी। जानवरों को बुलवाया गया है, जो जंगल के जानवर हैं वो बात कर रहे हैं आपस में, वो कहानी सुना रहे हैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि बच्चे जानवर से बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, और जब वो ऐसा सुनते हैं कि जानवर ऐसा बोला, तो वो कहानी कथा एक बार में ही उनके मन और मस्तिष्क में फिट हो जाती है, जिसको वो जीवन भर नहीं भूलते, और उसमें जो एजुकेशन होती है उसको जीवन भर पालन करते हैं, वरना उनको ऐसा लगता है कि जानवर कहीं ऐसा ना कर दे या वैसा ना कर दे। इसलिए जातक कथाओं का असर इतना ज्यादा है कि जिसने एक बार कोई जातक कथा सुन ली वो कथा भूल जाएगा, उसके सार को नहीं भूलता कि क्या कहा था क्या नहीं। इसलिए धम्म को सिखाने के लिए घर घर जाके जातक कथाएं सुनाई जाती थी और बताई जाती थी। ये काम आप भी कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर के 10 जो दिन होते हैं, जिसमें दशहरे से पहले के 10 दिन होते हैं, उसमें आप जातक कथाओं की स्टोरी घर घर जाके सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। बेशक आप चाहे भिक्कू हैं, चाहे उपासक हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे मदर हैं, कोई भी हैं, मगर आपको जातक कथाएं सुनकर सुनानी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे और आसपास के बच्चों का माहौल ठीक हो जाए। जातक कथा की ये स्पेशल खास बात है कि आप इसको कैसे भी टर्न कर सकती हैं, मोड़ सकते हैं। ये वर्ड टू वर्ड नहीं सुनाई जाती, इसमें एक गाथा होती है, उस गाथा के चारों तरफ उस कहानी को बदला जाता है। आप चाहें तो मॉडर्न जातक कथा भी बना सकते हैं, यानी कि आधुनिक जातक कथा उत्पत्ति कर सकते हैं आज के समय में। इसलिए जातक कथाओं को खूब ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, और बुद्ध की जातक कथाओं का खूब ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए।
ये भारत की पूंजी है, भारत के लोगों की पूंजी है, भारत के बच्चों के लिए है, इसको भारत के बच्चों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Good time.